नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा दोस्तों भाइयों सभी को नमस्कार है। मेरा साथीहरु चाहिँ हिंदी बोल्नेहरु पनि छन्। त्यसबाट आज यो ईद को छुट्टी को दिन चार दिन छुट्टी छ, त्यसैले यहाँ सानो एउटा अमेजिङ गर्दै छु एउटा टाइम पास को लागि। हेर्नु होला साथीहरु जोडिदै गर्नु होला। म धेरै दिन पश्चात चाहिँ फुर्सद नभएको कारणले ड्युटी आलातोल ड्युटी भएकोले चाहिँ म यहाँ होइन, त्यही कारणले म आज उपस्थित भएको छु। साथीहरू के कस्तो छ, सन्चो सुस्तै हुनुहुन्छ हुन्छ होला। अनि यहाँ विशेष गरी कतारमा चाहिँ धेरै गर्मी बढेको छ, पानी पिउनु होला। ड्युटीमा जाँदाखेरि बेसी पानी पिउनु होला, तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। फर्स्ट आज तपाईँहरूको सामान्य एउटा ट्रिक देखाउँदैछु टाइम पासको लागि है। मेरा पास है दोस्त योगेश जी, इन्डिया से आन्ध्रा से, महाराष्ट्र से दोस्त। हम लोग एक साथ एक कतार में है, एक कतार का गर्मी में इधर पसीना आ रहा है। छुट्टी कितने, तीन चार दिन की छुट्टी होगा? चार दिन का छुट्टी में आज एक अमेजिंग मैजिक ट्रिक करेंगे। आपका दिमाग कितना है टेस्ट करेंगे आज टाइम पास के लिए। ओके ये तो फर्क है, ये न लड़ाई लानु पर्ने हुन्छ है। अनि यो त लडिहाल्छ दिमाग लाउनु नि, जान्छ जाने चाहिँ। त्यही यो ट्रिक हो नि त रमेश भाइको पालो है। यो तिनटै लानुपर्छ पर पल्लो टेबलमा। 1 2 3 आहा जान आँटो है, जान आँटो। रमेश भाइ ल हाँस्दैछ। ल है अब यो तिनवटा पेन्सिललाई चाहिँ जुरुक्कै उठाएर पल्लो छेउ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। इस पेन्सिल को ऐसा खडा क्या है जो सर्वे मिसिन का स्टैंड है ट्राइपोड का जैसा, उसको उठा के थोड़ा तीनों को उठा के थोड़ा हाइट 1 मीटर हाइट करके 4 मीटर उधर दूर लेके जाने का। कितना क्षमता है आपका दिमाग में, चालू करें। 1 2 3 देखिए चालू हो गया। चालू दिमाग लगाइए, तीनों को एक साथ उठा के उधर लेके जाना चाहिए। तीनों को मित्रों एक बार गिर गया था, नहीं उठ सकता है। मैं बहुत लोगों से ये काम करवाया लेकिन किसी का वो नहीं हो सका। इसको फॉर्मूला है, गिर गया तो दो हाथ से नहीं डल सकता है। फिर खड़ा कीजिए, एक बार तो हो गया। हमारा दोस्त मराठी भाई का दिमाग से उसको उठाना चाहिए। वो हैंडल है, हैंडल में हाथ डालना चाहिए, उसको फाड़ना नहीं चाहिए। बंदूक के तरफ पकड़ के उसको एक साथ उठा के तीनों उठ के उधर और 1 मीटर हाइट करके 3-4 मीटर कितना लेके जा सकते हो, लेके जाओ। गिर गया, नहीं हो पाया, मुश्किल है। हम करके दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सफल होगा। उठ गया
देखिए 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 देखिए, मेरा प्लस क्लास भी है, क्लास भी हाव में उड़ गया। और देखिए इतना दूर, 1 2 3 चार मीटर उठे गए। देखिए बी आई बी को मैं उठा के यहाँ पे आपके पास फिर आ रहा हूँ। वी आई पी माने वेरी इंपॉर्टेंट और पर्सनल। देखिए कैसा लगा आपको? एक नंबर। बहुत आदमी को मालूम नहीं है, बहुत सही है। सही है ना? देखिए ये ट्रिक, अभी नेक्स्ट ट्रिक, ये दिल को बाहर निकालने का। ये फंसा हुआ दिल है और इसको आराम से तोड़ मोड़ बिना करके प्यार से बाहर आना चाहिए। देखिए ये पुराना ट्रिक है और ये हमारा योगेश मराठी भाई को दिया हूँ। उनको खूबी कितना है नॉलेज, उसको निकाल के बाहर करने का, प्यार से निकालने का, आराम से आ जाता है, निकाल के फिर डालने का। ये भी दिमाग घुमाने वाला ट्रिक है। अभी एक स्टेप से बाहर आया, अब उसको सबसे नीचे डालने का प्रैक्टिस जारी है। निकालने के तो निकाला एक स्टेप से, और अंदर डालने का सबसे नीचे वाला स्टेप में होने जा रहा है। 50% बाकी है। योगेश भाई का मेहनत अभी जारी है, अंदर डालने में कामयाब होना चाहिए तो सक्सेसफुल होगा। दिमाग लगाइए। ये वाला ट्रिक पहले देखा नहीं? देखा नहीं देखा, आज देख लो। ईद का टाइम है, छुट्टी का टाइम, छुट्टी मनाएंगे ऐसा। अभी पसीना आ रहा है, पसीना भी सेहत के लिए फ़ायदा है, पसीना निकालना। इधर का टेम्परेचर भी ज़्यादा है। एक स्टेप डाला और नीचे वाला में डालो। होने जा रहा है। ये डालने तक आपका पसीना भी बहुत आएगा। अगर मेरा भी पसीना बहुत निकलेगा। तीसरा ट्रिक है, ये दोनों चूड़ी को बाहर करने का है। इस ट्रिक बाकी है। दो आदमी तरफ से इधर 90% में गया है, अभी 10% बाकी है। नेत्र भाइले यहाँ कतिको निकाल्नु सक्छ दिललाई चाहिँ। अब यो फेरि यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ, त्यो दिललाई चाहिँ बाहिर झिक्नु। हाम्रो नेत्र भाइले चाहिँ अब यहाँ यो निकाल्ने हो, त्यो इरेक्सनको ट्रिक। टोटल हेभी इरेक्सन कसरी गरिन्छ त्यस्तै, अब यो पनि एउटा ट्रिक छ है। मालहरू कसरी घुसाउने निकाल्ने, ल नेत्र बिसी भाइको हातबाट चाहिँ यो जादू म्याजिक ट्रिक।
ल त्यो दिल्लाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ छिट्टो भन्दा छिटो जति निकाल्नु सक्यो। अब यो दिल्लाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो ट्रिक। एक मिनटभित्र निकालिसक्नु भने समय छ एक मिनट। दिमाग घुमाउने ट्रिक है। बिस सेकेन्ड गइसक्यो, 25 सेकेन्ड गइसक्यो, 26 27 सेकेन्ड बाहिर निकाल्नु भनेर चाहिँ बल्ब धेरै प्रयोग नगरिकन आरामले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। गिर गया नहीं हो सकता। नेत्रा भाइलाई समय दिएको धेरै गइसक्यो अझै निस्केको छैन। ए भाइ लोकको यसो ट्रिक देखा दियो। अभी त नै निकल रहा है। निकाल अभी अंदर घुसाओ, अंदर नीचे वाला में डालो, नीचे वाला में। देखो अभी ये भाई का बारी है और नीचे वाला में डालना चाहिए। एक मिनट का टाइम दिया है, तोड़ मोड़ नहीं करने का, आराम से डालने का। देखो 36 सेकेंड गया है, 37 सेकेंड, 38 सेकेंड, 36 सेकेंड। है तल्लो स्टेपमा लायो है। नेत्रा भाइले भित्र घुसाउने कोसिस गर्दैछ। तिनो एक साथ उठा के बाहर लेके जाने का ट्रिक है। ये भी ट्रिक है। तीनों पेंसिल का उठा के उधर लेके जाने का। उसको मालूम है अब देखो उधर आगे गया। सुदामा भाई।